नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पीओके में। आज हम जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में जानेंगे। भारतीय इतिहास का सबसे काला दिन 13 अप्रैल 1919, ये वो दिन था जो हर भारतीय को सदियों के लिए एक गहरा जख्म दे गया। यह घटना ब्रिटिश हुकूमत के काले अध्यायों में से एक है। ये दिन आज भी विश्व के बड़े नरसंहारों में से एक के रूप में दर्ज है। वह रविवार का दिन था और आसपास के गांव के अनेक किसान हिंदुओं तथा सिखों का वैसाखी उत्सव मनाने का दिन था। सभी अमृतसर आए थे। गोल्डन टेंपल में दर्शन के बाद धीरे धीरे लोग जलियांवाला बाग में जुटने लगे। ये बाग अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के पास का एक छोटा सा बगीचा है। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग अपने राष्ट्रीय नेताओं की गिरफ्तारी के मुद्दे पर शांतिपूर्ण रूप से सभा करने के लिए एकत्रित हुए थे। उस समय देश भर में रॉलेट एक्ट के विरोध विद्रोह चल रहे थे। उसी आंदोलन के दो नेता जो अमृतसर में रॉलेट एक्ट का विद्रोह कर रहे थे, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन खिजलू, उनको ब्रिटिश सरकार ने 9 अप्रैल 1919 को गिरफ्तारी का आदेश दे दिया। 13 अप्रैल को उनके गिरफ्तारी और ब्रिटिश सरकार की अन्य रणनीतियों के विरोध में एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया था जलियांवाला बाग में। कुछ वक्त में हजारों की भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। यह बाग चारों ओर से घिरा हुआ था। अंदर जाने का केवल एक ही रास्ता था। किसी को होने वाले हादसे का अंदाजा भी नहीं था। जनसभा जब चल रही थी तब हंसराज नामक एक व्यक्ति ने इस सभा की मुखबरी कर दी। तभी पंजाब के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल थे माइकल फ्रांसिस एडवर, उन्होंने आदेश दे दिया ब्रिगेडियर जनरल रेजिनॉल्ड एडवर्ड हैरी डायर को, और एडवर्ड डायर अपने कुछ सैनिकों के साथ बाग में जा पहुंचे। डायर ने सैनिकों को बाग के एकमात्र प्रवेश मार्ग पर तैनात किया था। उनके साथ तोप भी थे। डायर ने निहत्ती भीड़ पर बिना किसी चेतावनी और किसी को भी भागने का मौका दिए बगैर अपने सैनिकों को गोली चलाने का आदेश दे दिया। 10 से 15 मिनट में 1650 राउंड गोलियां चली। इन 10 मिनटों में कांग्रेस के गणना अनुसार 1000 लोग मारे गए और लगभग 2000 लोग घायल हुए, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने केवल 379 के करीब लोगों की मौत होने की पुष्टि की थी, ताकि उनके देश की छवि विश्व भर में खराब ना हो सके। इस नरसंहार में बच्चे, महिलाएं, पुरुष, बूढ़ों के अलावा एक 7 हफ्ते के बच्चे की भी हत्या कर दी गई थी। इसके अलावा इस बाग में मौजूद कुएं से 120 से अधिक शव निकाले गए थे। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि बहुत से घायल लोगों की मौत इलाज न मिलने के कारण घटना के कुछ दिनों बाद भी हुआ था, क्योंकि इस घटना के बाद पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। इस कारण कोई भी अस्पताल नहीं जा पाए। इस नरसंहार की निंदा भारत के हर नेता ने की थी, और इस घटना के बाद हमारे देश को आज़ाद करवाने का सपना हर भारतीय के मन में जाग उठा था। लेकिन ब्रिटिश सरकार के कुछ अधिकारियों ने डायर के द्वारा किए गए इस नरसंहार को सही करार दिया था। बेकसूर लोगों की हत्या करने के बाद जब डायर ने इस बात की सूचना अपने अधिकारी को दी, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल एडवर्ड ने एक पत्र के जरिए कहा कि डायर ने जो भी कार्रवाई की थी वो एकदम सही थी और हम इससे स्वीकार करते हैं। दूसरी ओर इस घटना पर दुख प्रकट करते हुए रविंद्रनाथ टैगोर ने 1915 में उन्हें दिए गए नाइटहुड की उपाधि को वापस लौटा दिया। 1919 में एक कमेटी का गठन किया गया था और इस कमेटी के अध्यक्ष लॉर्ड विलियम हंटर को बनाया गया था। इसके अलावा 7 और लोग थे जिनमें कुछ भारतीय भी मौजूद थे। इस कमेटी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के हर पहलू की जांच की और ये पता लगाने की कोशिश की कि डायर ने जलियांवाला बाग में उस वक्त जो किया था वो सही था या गलत। 19 नवंबर साल 1919 में इस कमेटी ने डायर को इस हत्याकांड को लेकर सवाल किए। यह नरसंहार पूर्व नियोजित था और जनरल डायर ने गर्व के साथ घोषित किया कि उसने ऐसा सबक सिखाने के लिए किया था, और अगर वो लोकसभा जारी रखते तो वो उन सबको मार डालता। उसे अपने किए पर कोई शर्मिंदगी नहीं थी। कमेटी को डायर के कदम सही नहीं लगे और 8 मार्च 1920 को इस कमेटी ने अपने रिपोर्ट को सार्वजनिक किया और हंटर कमेटी की रिपोर्ट में डायर गलत साबित हुए, और 23 मार्च 1920 को डायर को दोषी पाते हुए उन्हें सेवानिवृत्त कर दिया गया था। मिलते हैं
इस वीडियो के पार्ट टू में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और आगे भी ऐसे नॉलेजफुल वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।